अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन के हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। वज़ीर सेहत हरीश टाउ ने डिस्ट्रिक्ट वुमेंस फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम संगारेड्डी में मुनाक़िदा आलमी यौम ख़वातीन के प्रोग्राम में की शिरकत। वज़ीर हरीश टाउ ने कहा, तमाम ख़वातीन को ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक। बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने कहा, मुल्क में बीजेपी के राज में चाहे कुछ भी खरीदा जाए वो आग में हाथ डालने के मुतरादिफ। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा, अंग्रेजों के दौर से अब तक किसी ने दही दूध और घी पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बीजेपी हुकूमत दूध दही और घी पर टैक्स लगा रही। बाजार जाकर कोई चीज खरीदनी हो तो वो मुश्किल होता जा रहा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने होली त्यौहार के पेश नज़र 7 मार्च को तातिल का किया ऐलान। तेलंगाना हाई कोर्ट को 8 मार्च को तातिल मुकर्रर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने 8 मार्च के अलावा 7 मार्च को भी तातिल का किया ऐलान। मजलिसी सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में सिद्दीपेट में नौजवानों ने मजलिसी कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहियुद्दीन और नानानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन की मौजूदगी में मजलिस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। टीपीसीसी के वर्किंग सदर महेश गौड़ ने तबसरा किया, अगर बीजेपी को पूरी रियासत में 7 या 8 सीटें मिल जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के मौजूदा एमएलए को कौन जिताएगा। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के शादनगर कस्बे के चितनपल्ली इलाके में पार्टी के मुकामी इंचार्ज के नक्दा प्रोग्राम में की शिरकत। जिले निर्मल बीआरएस सदर जी विठल रेड्डी एमएलए ने भैंसा आईबी गेस्ट हाउस में शहर के दोनों तबकात के जुमला 16 अफराद में इलाज व मुआलजे के लिए 6,34,000 रुपए पर मबनी सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स इस्तफादा कुनिंदगान के किए हवाले। भैंसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जानिब से रैली, जो दोपहर के औकात में शहर के फुले नगर इलाके में मौजूद सरस्वती शिशु मंदिर सुभद्रा वाटिका के अहाते से गुजरते हुए अख्तिताम पजीर। रैली के दौरान हाईकोर्ट अहकाम की खुलेआम खिलाफ वर्जी। थैलेसीमिया मर्ज में मुब्तला मासूम नौनिहालों के लिए खून के अतिया देने का प्रोग्राम। जिले वरंगल के खाजीपेट में ज़ेर सरपरस्ती हजरत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी की मौजूदगी में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें 350 से ज्यादा नौजवान ने अपने खून का अतिया दिया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स की तकरीब कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनाकिद। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू पहलवान, साक्षी मलिक, विनेश भुगत, शटलर पीवी सिंधु और बॉक्सर निखत जरीन को इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया। कोई कारण वारी कंपनी बंद अंति పిల్లల స్కూలు ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజామ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కారులు ఉన్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజామ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్‌స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్ళు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వసీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697। इसी के साथ केबीएन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।